जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट का नई भर्ती 01/1/2024 बैच नाविक सीडी डीवी यांत्रिक की नई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड 01/1/2024 की इस बार आपकी नाविक जनरेटी डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो वैकेंसी है वो कब तक आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो वैकेंसी है वो कब तक आ जाएगी, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब आपका रिलीज होगा और आपके जो फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट इसके हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड एंड एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नंबर सेकंड, जो आपके दो तीन डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि क्या इस बार यांत्रिक की वैकेंसी आएगी, क्या इस बार भी इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, ये जो नंबर फर्स्ट डाउट है इसको भी क्लियर रहेंगे कि क्या इस बार इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। नंबर सेकंड पे जो बात है डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि जो हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इसमें भी जो डाउट्स है कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा डाउट है कि वो कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करें। ये तो सेंट्रल का उनको करना है कि क्या, या फिर अपना स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। और नंबर थर्ड पे है EWS कैंडिडेट्स। EWS को क्या है कि वो जो अपना डिस्ट्रिक्ट का है, जो अपना सब डिस्ट्रिक्ट से बनता है यानी तहसील से बनता है, उसको अपलोड करना है कि भारत सरकार वाला करना है, उनका भी यहाँ पर पूरा बात करने वाले हैं। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने यही सब देखा होगा जो अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट साइकिल इंडियन कोस्ट गार्ड का दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नाविक जनरेटिव का लिया और बेसिकली आपको सभी लोगों को पता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है जेडी और डीवी की जनरली आपकी साथ में ही आती है। पिछली बार से आपकी यांत्रिक की वैकेंसी नहीं आएगी तो लेकिन इसका भी डाउट करेंगे, लेकिन इस बार आपके चांसेस हैं कि यांत्रिक की वैकेंसी भी इसमें जोड़ी जाएगी। तो ये पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि यांत्रिक की जो वैकेंसी है वो आने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार की ऐसा होता है यांत्रिक वैकेंसी उन्होंने इस वजह से नहीं दी थी क्योंकि पिछली वाली जो वैकेंसी थी वो भी इतनी जल्दी क्योंकि लेट हो गई थी, वो उतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाई और इसका भी जल्दी जल्दी एग्जाम हो गया था तो ये भी क्लियर आपकी वैकेंसी नहीं हो पाई इसी वजह से। और यांत्रिक में आप जानते हैं कि पोस्ट भी बहुत कम आती हैं, समथिंग 20 के समथिंग या 22 के समथिंग आपकी पोस्ट यांत्रिक में दी जाती हैं। तो इस बार जो आपकी चांसेस हैं आपके 99% ये चांसेस है कि इस बार आपकी वैकेंसी आएगी, 1% भले ही कि आपकी वैकेंसी ना हुई तो यांत्रिक की वैकेंसी भी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। जो भी स्टूडेंट्स यांत्रिक की वैकेंसी लेकर कमेंट कर रहे थे उनको मैंने बता दिया कि यांत्रिक की वैकेंसी इस बार जो आपके चांसेस है वो आपके हाई हैं कि इस बार आपकी वैकेंसी शायद दी जाएगी। अब नंबर सेकंड पे कि जो वैकेंसी है ये कब तक आएगी, तो देखिए मैंने यहाँ पर नाविक जीडी का लिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि नाविक जीडी हो, चाहे आपका डीवी हो और चाहे आपका फिर यांत्रिक हो, तीनों की जो वैकेंसी रहती है वो हमेशा आपकी साथ में ही दी जाती हैं पिछली बार को छोड़कर, क्योंकि पिछली बार सिर्फ और सिर्फ नाविक जीडी और डीवी की ही वैकेंसी को दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है, देखिए फर्स्ट बैच, क्योंकि आपका 2024 का फर्स्ट बैच आना, जैसे आपको बताया कि 01/1/2024 बैच यानी कि 2024 का पहला बैच आना है, तो रिक्वायरमेंट अगर साइकिल में देखेंगे तो फर्स्ट बैच जो साइकिल है वो आपका कब यहाँ पर काउंट होता है। तो देखिए एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करता हूँ तो सितंबर में यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि प्रीवियस ईयर जो था वो आपका सितंबर में आया था, और मोस्टली जो चांसेस है वो हमेशा ही सितंबर में मिलते हैं। अगर मैंने आपने पहला वीडियो देखा होगा जब मैंने वैकेंसी के ऊपर पहले वीडियो एक दो बनाए हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी जो है वो आपकी सितंबर के पहले नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी, लेकिन देखिए अगस्त में वैकेंसी आने के चांसेस इस वजह से कम है क्योंकि वो एग्ज़ाम अपना नवंबर में ही ले जाएंगे तो पहले उनको वैकेंसी देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि वैकेंसी है वो आपकी बिल्कुल राइट टाइम सितंबर में, जो उनका रिक्वायरमेंट का जो साइकिल है वो चलता है वो आपका सितंबर में ही दिखा रहा है, क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप डायरेक्ट उसको जाके वहाँ से खोल के देख लेना, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्वायरमेंट साइकिल है तो उसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो जीडी की जो वैकेंसी है आपका एप्लीकेशन जो दिखा रहा है वो आपका सितंबर में दिखा रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सितंबर में अगर आपका दिखा रहा है तो ये मान लीजिए कि 15 सितंबर तक, एक में जो आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, देखिए ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि जो भी मैं अनुमान लगाता हूँ प्रीवियस ईयर से लगाता हूँ, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के हिसाब की, तो 15 सितंबर तक आपको वैकेंसी जो है उसके जो एप्लीकेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक जो डेट मैंने आपको बता दी है कि 15 सितंबर तक आपके जो फॉर्म की जो आपकी डेट है वो आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 सितंबर तक। एंड सेकेंड, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोट में लिखा भी हुआ है कि द एडवर्टाइजमेंट फॉर द एवब रिक्वायरमेंट साइकिल इज जनरली पब्लिश एज फॉलो। तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट बैच जो है वो अगस्त और सितंबर में हो जाता है, लेकिन अगस्त में
चांसेस जो है वो हमेशा आप कम ही मानिए, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देखते हैं तो लिखा होता है कि मिड या एंड, एग्जाम क्या होता है वो हमेशा एंड में ही होता है, मंथ की आपके एंड में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो उसी हिसाब से आपकी वैकेंसी है वो आप अगस्त यहाँ पर मत काउंट कीजिए, यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है वो आपकी सितंबर में आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका कन्फर्म है कि 15 सितंबर तक आपकी एप्लीकेशन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को हो कि आपने डेट नहीं बताई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो एप्लीकेशन है वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि वैकेंसी, तो आपको पता चल गया कि 15 सितंबर तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यांत्रिक की वैकेंसी आने के जो चांसेस हैं वो इस बार काफ़ी हाई है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी नहीं दी गई, तो 99% आपकी वैकेंसी आ सकती है इस बार। आप जो आपका नंबर थर्ड डाउट है कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होने, और कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, EWS हुआ, ये कौन कौन से लगने वाले, तो इसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि आपको पासपोर्ट साइज़, रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए। और देखिए इसमें एक बात आपको है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर। देखिए क्या है यहाँ पर कि एक जो लिखा हुआ है कि आपके जो सर पर कोई भी वो वगैरह नहीं होना चाहिए, जो टोपी वगैरह है, सिर्फ सिख लोगों को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखेंगे आप जो एक स्लेट है, ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, आप अपने चेस्ट के आगे एक स्लेट लेंगे और उसमें अपना नाम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, जिस डेट को आपकी फोटोग्राफ आपकी ली जा रही है वही डेट उसमें आपकी मेंशन होनी चाहिए। और आपका स्लेट देखिए, अगर आप इस फोटो में आप हैं तो यहाँ पर अपने चेस्ट के आगे आपको इस तरीके से स्लेट लेके खड़ी होनी, और यहाँ पर आपको अपना नाम जो भी है आपका वो आपको लिखना है, एंड यहाँ पर डेट ऑफ फोटो यानी DOP आपको लिखनी है। जैसे आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें 01/01/2023 ऐसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसी फोटो के अंदर वो आपको लिखना होता है। और अपना यहाँ पर नाम लिखना होता है, नेम में सिर्फ अपना नाम ले, जो भी आपका नाम हो वो अपने नाम लिख लेना है, फिर DOP आपको लिख के उसके आगे अपना डेट डाल देना है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं, कुछ कैंडिडेट्स DOP और DOB दोनों लिखते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम और डेट ऑफ फोटो आपको लिखनी है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि आपको कुछ भी कैप वगैरह नहीं पहननी है, सिर्फ सिख जो है होते कैंडिडेट उनको छोड़कर। उसके बाद क्या है कि आपको जो इस आपका फ़ोटो हो गया वो भी स्लेट वाला लगेगा, और वही आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर भी लेके जाना है, ये आपको पता है। एक बात और आप समझ लीजिए कि क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चौक जो आपकी स्लेट पर आप लिखेंगे, और वो कैपिटल लेटर में आपका लिखा होना चाहिए, जो भी आपका नाम है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना। कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, जैसे कुछ नाम है मान लीजिए कि डेट ही लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स डेट लिख देंगे, लेकिन ये आपका गलत है। आपको सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही लिख के आनी, जिससे कि आपका पूरा स्पष्ट उनको समझ में आए। उसके बाद आपका फ़ोटो हो गया, एंड सेकंड नंबर पर आपका सिग्नेचर यानी साइन लगेगा आपका, एंड थर्ड नंबर पर क्या है आपका कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि आमतौर पर जो भी कैंडिडेट्स का जो आपका 10th का मार्कशीट हो गया यानी हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी वो आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपका DOB दिया गया था, तो वो आपका 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपका काम आएगा। तो ये सभी कैंडिडेट्स को मस्ट है, यानी कि आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है, चाहे वो DB वाला हो चाहे GD वाला हो, जैसे आप अगर एक आइडेंटिटी प्रूफ में, क्योंकि वहाँ पर एक नंबर डाला जाता है कि ID कार्ड नंबर, तो ID कार्ड में आपको परेशान नहीं, कुल कैंडिडेट क्या करती है कि उसमें उन्होंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, लाइसेंस नंबर डाल दिया अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या उन्होंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया, या अपने मार्कशीट नंबर डाल दिया, जो मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो डाल देते हैं, पर उसके बाद आधार कार्ड लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के रूप में, तो ऐसा नहीं होता। जो भी आपने ID कार्ड में डाला है वही आपको लेके जाना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको आधार कार्ड ही लेके जाना है, और आप आधार कार्ड नंबर ही अपना उसमें डलाइए, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको मार्कशीट वगैरह लेके जाना पड़ेगा और उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको आधार कार्ड नंबर ID के तौर पर ही यूज करना है। उसके बाद आपको देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपका सर्टिफिकेट अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। आप सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट बनवाइए, वो अभी आप बनवा लीजिए तो आपका ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर 2 साल पुराना है तो आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं अलाउ होता। तो आप 1 साल अगर पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसको नया ही बनवा लें, अभी आपके पास टाइम है, 8 से 10 दिन में बन जाएगा। तो आपको सेंट्रल का ही कार्ड सर्टिफिकेट बनवाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी EWS वाले कैंडिडेट्स हों, EWS को क्या करना है कि आप EWS बनवाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश या किसी भी अदर स्टेट से हैं वो आप उसमें डाल लीजिए,
लेकिन आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ ऐसे लिख के आता है कि गवर्नमेंट ऑफ, जब आप EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करेंगे फॉर्मेट, तो गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर आपका कॉलम खाली होता है, तो अगर आप सेंटर का भरवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कर देना, और उसके बाद वही आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास अपने स्टेट का है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो आप नया बनवा लें जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको पता चल गया कि आपका फोटोग्राफ चाहिए फ्लेट वाला, साइन तो आपका चाहिए चाहिए, एंड आपका लेफ्ट थंब, जो एक चीज़ भूल रहे हैं वो है आपका लेफ्ट थंब, ये आपका नेसेसरी है, इसके अलावा आप कोई भी थंब अपलोड नहीं कर सकते। तो लेफ्ट थंब हो गया, 10th की मार्कशीट अगर आप DB वाले हैं तब भी आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, अगर आप GD का करना चाह रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट भी लगेगी आपके साथ में, ये आपकी मार्कशीट है, ये आप पढ़ लेना, तो मार्कशीट। एंड उसके बाद क्या मैंने आपको बोला कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का लगेगा, तो CC यहाँ पर आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट एक बार देख लीजिए CC, और ये भी सेंट्रल का, तो यहाँ भाई C बना लीजिए, भाई CCCC हो गया यहाँ पर आपका। उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो आपको डोमिसाइल भी लगाना है, एंड EWS वाले भी अपना सेंट्रल का ही अपलोड करें, तो EWS यहाँ पर भी लिख देता हूँ सेंट्रल का। तो ये आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है। तो आई होप आपको सारे बातें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।